स्वागत है आप सभी का संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज पर। दोस्तों आज 9 जुलाई 2020 को करंट अफेयर्स के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से, हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स प्राइज 2020 दिया गया है। देखिए ग्रेट इमिग्रेंट्स क्या है, तो ये एक अमेरिकन प्राइज है, ठीक है, और ये किन्हें दिया गया है। तो अभी जो कोरोना कोरोना के समक्ष जो कोरोना योद्धा हैं, जिन्होंने कोरोना से मुकाबला करने में सहयोग किया है, उन कोरोना योद्धाओं को अमेरिका ने ये ग्रेट इमिग्रेंट्स प्राइज 2020 दिया है, ठीक है। अब कुल 38 लोगों को ये दिया गया है, कुल 38 लोगों को ये दिया गया है, और इसमें जो भारतीय जो लेखक है जिन्हें ये प्राइज दिया गया है उनका नाम है डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी। डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी जो कैंसर विशेषज्ञ हैं, इन्हें ये ग्रेट इमिग्रेंट्स प्राइज 2020 दिया गया है, ठीक है। अब डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी है ये पुलित्जर पुरस्कार भी जीत चुके हैं, ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार 2011 का पुलित्जर पुरस्कार भी डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी जीत चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य में 10 जुलाई 2020 को एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। देखिए ये जो उद्घाटन करेंगे ये रीवा जिला है, रीवा जिला मध्य प्रदेश, ठीक है, रीवा जिला मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे 10 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब ये जो संयंत्र है ये 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा, कितनी 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 1590 एकड़ में फैला हुआ है, 1590 एकड़ में ये सौर ऊर्जा संयंत्र फैला हुआ है, और इससे दिल्ली मेट्रो को भी बिजली सप्लाई की जाएगी, ठीक है। तो रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया गया। वर्ल्ड चॉकलेट डे जो है वो 7 जुलाई को मनाया गया है, ठीक है। अब चॉकलेट जो बनती है ये एक पेड़ आता है, पेड़ के बीजों से ये चॉकलेट बनाई जाती है, जो सबसे पहले अमेरिका में पाया गया था, ठीक है, अमेरिका में ये पाया गया था। और जो वर्ल्ड चॉकलेट डे है इसकी शुरुआत 1550 ईस्वी में यूरोप से हुई, ठीक है। तो यूरोप से इसकी शुरुआत हुई और प्रत्येक 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया। तो देखिए अभी रिलायंस जियो जो है उसने अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जियो मीट। देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए पहले हम जो काम में लेते थे वो जूम ऐप था, ये एक अमेरिकन ऐप है, और अभी जो आत्मनिर्भर भारत है उसको लेकर जियो ने अपना जियो मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है, जिसमें HD वीडियो कॉलिंग होती है, ठीक है, HD वीडियो कॉलिंग, और इसमें एक साथ 100 लोगों से कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है। तो जो भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं उनके यूज के लिए, वर्चुअल मीटिंग्स के लिए यूज के लिए ये जियो मीट ऐप काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। तो रिलायंस जियो ने जियो मीट ऐप अभी हाल ही में शुरू किया है, ठीक है। अब जियो की बात है तो इसकी स्थापना कब हुई, तो 2007 में रिलायंस जियो की स्थापना हुई। इसके फाउंडर मुकेश अंबानी हैं और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है, ठीक है।
तो रिलायंस जियो का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया? देखिए, इंतजार आपका जो अभियान है ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है, और ये अभियान किससे रिलेटेड है? तो देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की बात है और पर्यटन की बात है, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश के, देखिए एक है कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा, एक है बांधवगढ़, ठीक है, एक है माधव नेशनल पार्क, और एक पेंच नेशनल पार्क है, एक वन विहार। इसके अलावा संजय नेशनल पार्क और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन कौन से? कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो मध्य प्रदेश ने अभी शुरू किया है इंतजार आपका अभियान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? भोपाल। भोपाल इसकी कैपिटल है, और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह। अच्छा, यहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। लालजी टंडन यहाँ के राज्यपाल हैं, लेकिन हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उन्हें मध्य प्रदेश के राज्यपाल राज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, क्योंकि लालजी टंडन की अभी तबीयत ठीक नहीं है। इस वजह से जो आनंदीबेन पटेल है उन्हें मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी कार्यभार सौंपा गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भारतीय रेलवे ने किस कंपनी से समझौता किया है? देखिए, अपने जो प्लांट्स हैं, जो उसमें जो सोलर एनर्जी है उसके उपयोग के लिए, उसका प्रोडक्शन जो किया जाएगा उसके लिए एक कंपनी से समझौता किया है भारतीय रेलवे ने, उसका नाम है भेल। भेल किसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म जो है वो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इस कंपनी से समझौता किया है इंडियन रेलवे ने। ठीक है, किसके लिए? सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो भेल से समझौता किया है, तो भेल की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना जो है वो 1964 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। तो भेल से समझौता किया है सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भारतीय रेलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने इंद्रवज्र ऐप लॉन्च किया है? देखिए, इंद्रवज्र जो ऐप है वो बिहार ने अभी लॉन्च किया है। अच्छा, ये ऐप क्या है? तो इसमें क्या है, जो आकाशीय बिजली है, आकाशीय बिजली, आकाशीय बिजली जो गिरती है उसके 45 या 40 मिनट पहले इस ऐप से पता चल जाएगा कि बिजली गिरने वाली है। ठीक है, तो इंद्रवज्र ऐप जो लॉन्च किया है वो बिहार ने अभी लॉन्च किया है, और आकाशीय बिजली का पता लगाने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। अब बिहार की बात है तो बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। पटना बिहार की कैपिटल है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं फागू चौहान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कंपनी ने भारतीय एमएसएमई के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया है? देखिए, एमएसएमई क्या है? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग हैं
उनके लिए जो ग्लोबल भारत प्रोग्राम है वो किस कंपनी ने शुरू किया है, तो उस कंपनी का नाम है SAP, सैप उस कंपनी का नाम है। ये एक जर्मन कंपनी है, जर्मन कंपनी है। इसका मुख्यालय जो है वो वोल्डोर्फ में इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो ये जो जर्मन कंपनी है SAP, इसने अभी ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया है। इसके लिए तो भारतीय MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो मध्यम लघु एवं कुटीर उद्योग हैं उनके लिए ये SAP ने भारत ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सभी घरों को LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। देखिए हिमाचल प्रदेश जो है वो सभी घरों को LPG कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। इसने हिमाचल गृहिणी योजना के तहत इस मुकाम को हासिल किया है। अब हिमाचल गृहिणी जो योजना है उसमें उन लोगों को भी शामिल किया गया था जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, उज्ज्वला योजना में जिन्हें ये लाभ नहीं मिला हो उन लोगों को भी इस हिमाचल गृहिणी योजना में शामिल किया गया था। और इस योजना के तहत इस हिमाचल प्रदेश में 100% LPG कनेक्शन के लक्ष्य को पूरा किया गया। अब हिमाचल प्रदेश की बात है तो हिमाचल की कैपिटल क्या है, शिमला हिमाचल की कैपिटल है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय क्या है, तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने महाजॉब पोर्टल शुरू किया है। देखिए महाजॉब जो पोर्टल है वो महाराष्ट्र ने शुरू किया है। इस पोर्टल के तहत जो युवा हैं वो इस पोर्टल पर अपना डेटा अपलोड करेंगे, उन डेटाओं को जो कंपनियां हैं जिनको एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है वो एक्सेस करेंगी और उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर या उनकी स्किल के आधार पर उन्हें जॉब ऑफर करेंगी, ठीक है। तो महाराष्ट्र ने महान नाम से जॉब पोर्टल शुरू किया है। अच्छा महाराष्ट्र ने ही एक प्लेटिना मिशन भी शुरू किया है जो कोरोना के प्लाज्मा ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, कोरोना के प्लाज्मा ट्रीटमेंट के लिए प्लेटिना मिशन भी शुरू किया गया है महाराष्ट्र में, ठीक है। अब महाराष्ट्र की बात है तो इसकी कैपिटल क्या है, मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है भगत सिंह कोश्यारी कौन है, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और महाराष्ट्र ने अभी महाजॉब पोर्टल शुरू किया है, ठीक है। तो ये आज का सेशन था अपना जिसमें डिस्कस किया अपने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, होपफुली ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।